साहिब श्री गुरु नानक देव जी जी साची नवाची परम सत्कार योग साध संगत जी हो वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी हो, जिवें आप जी नूं बेनती की गई है कि मैं बाहर जाना है, मैं 2.5 महीने तो शायद आप जी सब नूं पता होवे कोशिश कर रहा सी, लेकिन इस इमारत दी पूर्ती वास्ते नहीं जा सकिया। हुण इसनूं शक्ल कुछ मिल गई है, सारे साधन जिहड़े हन ओह हासिल कर लए गए हन, केवल कारीगरां ने हुण काम ही करना है। तो मैं आप जी पासों छुट्टी लैनी है 6 या 7 हफ्ते दी, ओह भी जरूरी इस करके हो गया कि इंग्लैंड दे विच जो अपना दरबार जो है उत्थे दी संगत दे रोज़ टैलीफोन आ रहे हैं। अमेरिका दे विच संगत है, उन्होंने रोज़ टैलीफोन आ रहे हैं। टालिया बहुत, लेकिन इस तो ज़्यादा मैं टाल नहीं सकता। सो मैं आप जी सब पासों छुट्टी मंगागा, खीमा मंगागा, आप केवल अमृत जोत की अथे तेल का इस्तेमाल करना है, उसके नाल आप जी नूं शफा हुंदी रहेगी और आप जी दे दुख नमर्त हुंदे रहेंगे। उन्होंने नाल जिस तरह गुरबाणी का उदाहर है सर्व रोग औखत नाम पातशाह साहब श्री गुरु नानक देव जी के चरणा ध्यान करके तुसी रात में जरूर 1/2 घंटा 1/4 घंटा जिन्हों का अभ्यास हो चुका है ना वह बधेरे कर। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, इस दे नाल आप जी के दुखड़े दूर होने शुरू हो जाएंगे। इस दरबार में बख्शिश है कि इस जो अमृत की बख्शिश साहिबान ने बख्शी हुई है उसके नाल बड़ी सहायता मिलती है दुख दूर होने दे विच। इस करके असी सारे इत्थे 15 दिन बाद इकट्ठे हो जाने हैं। यह दरबार हिंदुस्तान च 5-6 जगह होर भी लगते हैं, धनबाद लगते हैं, रांची लगते हैं, पंजाब विच लगते हैं, इस तरह होर कई स्थान है जिथे कि संगत इकट्ठी होंदी है। उत्थे केवल अमृत जोत की अते तेल दे सहारे दे नाल संगतां नूं आराम आ रहा है और संगतां काफ़ी जुड़ जांदियां हन। इह सारी मैं समझदा एक प्यार दी ही सेवा है। मैं बसाते खुद कुछ नहीं जानदा, इह सारा सहारा अकाल पुरख की बख्शिश दा ही है या उन्हां दे नाम दा सहारा है। इह सहारा अमृत और नाम दे नाल तुहानूं मिलदा है और उस दे नाल थोड़े दुख कटे जाते हैं, थोड़िया जड़िया रुकावट हैं जीवन दे विच आ जांदियां, जिहड़ियां कि ईर्ष्या कारण भी हो सकदियां हैं, दुश्मनी कारण भी हो सकदियां हैं, या सुते सुते सुधे भी आ जांदियां हैं, वो सब दूर होंदियां हैं। असी रह जाने हाँ जिस वेले कि असी प्यार और सत्कार के नाल उन्होंने चरण ध्यान नहीं रखते, नहीं सानूं रुकावट नहीं पैनी चाहिए। कलयुगी जीव हाँ, कलयुगी जीव बहुत कुछ कर देंगे हैं पर कलयुगी जीवन ही सहना पै रहा है। जिस वेले युग पलट जाना है, इसे पलटना है, समा थोड़ा है, तो उस वेले ये सब चीज़ा थानू दरपेश नहीं आनिया। उस वास्ते ये जिहड़ा सिमरन का अभ्यास है, ये जिहड़ा अमृत की दात है, इस दे उत्ते जोर दिता जाता है। सो मैं आश करा आशा रखता है कि तुसी सारे इस अमृत का सहारा लोगे 7-8 हफ्ते तो अपने दुख निवृत्त करते रहोगे। जिस वेले अमृत समाप्त हो जाए इतों लै जाओ, इतने दरबार इसी प्रकार लगते रहेंगे, कीर्तन इसी प्रकार होंगे रहेंगे। और मैं बेनती करांगा कि साध संगत जिहड़े दुखी हैं वो आन तो संकोच ना करन, जिहड़े सुखी भी हैं वो जो निशान साहब हैं उतों अपना प्यार ले जाण ते अपनी सिमरन की जिहड़ी अवस्था है उसनों बधाते रहन। सो यही शब्द कह के मैं आप जी पासों छुट्टी लै रहा। अज मैं आप जी नूं होर कुछ नहीं कह रहा, क्यों सानूं जल्दी भी है ते मैं तैयारी भी करनी है, ते अरदास तो बाद आप जी नूं
लंगर इतने बताया जाएगा, आप जी इसी प्रकार बैठे रहना और लंगर छक के जाना। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम डंडात बंधन अनुकुमार सर्वकला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। बिलावल महला पंजवा बिन हर काम न आवत है जासू राज माच तुम लागे ओ मोहनी मोहावत है। बिन हर काम न आवत है जासू राज माच तुम लागे ओ मोहनी मोहावत है। कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने में जावत है और जरे हो इंद्री रस प्रेर बिखठ गौरी खावत है। तृण को मंदर साज सवार्यो पावक तले जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठ हटिलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर ठांडे केस गहे फेरावत है। दृष्ट न आवे अंध ज्ञानी सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी झूफा हावत है। कह नानक बंधन को काट बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत है। जाल पसार चोग बिस्थारे पंखी झूफा हावत है। कह नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। शब्द जो भी कुछ कहेगा उन्होंने मंजूरी नहीं है तो मैं समझता उन्होंने मन के अंदर कोई एतकाद नहीं है, उन्होंने मन के अंदर कोई दृढ़ता नहीं है, उन्होंने मन के अंदर कोई भी यकीन अपने गुरु साहबान के बारे भी नहीं है। आप जी सब ने पता है कि जो इतने वचन हो जाते हैं साहिब श्री गुरु नानक देव जी उन्होंने वचना से मोहर अवश्य लाते हैं। ये अज की गल नहीं है, जो वचन हो जाते हैं हुक्मनामे उसी प्रकार आते हैं। और ये आज तो नहीं, कोई 15-20 वर्ष तो यही चीज चल रही है। सो आप जी जो पीछे पीछे फिरते हो, जो गल करनी मान रहे हो, माफ करना तुसी बहुत गलत स्थान पर पहुंच गए हो। ये स्थान वो है कि तुसी अपने मन के अंदर श्रद्धा लियाओ, वलवला लियाओ, आके निशान साहब तो रख दो, आके सच्चे पातशाह की हजूरी बैठ के साध संगत दे विच अपने मन को दृढ़ करके बैठ जाओ। थोड़े काम अवश्य होंगे, अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। यह दरबार रश करने का नहीं है, यह दरबार इशारे समझने का है। कल नू अजिही अवस्था आ रही है कि केवल हाथ ही उच्चा किया जाएगा, थोड़े सारे के काम हो जाएंगे। जे ये अवस्था है तो थोड़े मन च क्यों नहीं यकीन आता, थोड़े मन च क्यों नहीं चेता आती, तुम क्यों थिड़ गए हो, तुम क्यों रह रहे हो, क्यों वक्त जाया कर रहे हो, मैं ये नहीं समझ आई। आओ अपने स्थान ग्रहण करो, स्थान दे ग्रहण कर दिया अपने मन नु सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी चरणों नाल जोड़ लो। आश्वास दे नाल जिस प्रकार आप जी नु सिमरन दसिया गया उस सिमरन शुरू कर दियो। उधर तुहाडे जिहड़े कन्न हन ओ साहिबां दी उस्त सुन, उधर जिहड़ा तुहाडा मन है ओ रसिया होवे, तुहाडे कारज अवश्य सफल हन। एक ऐसा दरबार पातशाह ने साज दिता है कि जिथे बहुत इधर उधर भड़कन की जरूरत नहीं पैंदी, केवल अपने मन की अवस्था
ठहराव विच लियाउणा है, अपने मन दी अवस्था जिहड़ी है उसनूं प्यार और सत्कार विच लियाउणा है। अपने मन दी अवस्था जिस बारे साधन बहुत कुछ दसे जा चुके हैं, उन्होंने साधना के नाल टिकाओ विच लियाउणा है। तुहाडे कम प्रास है, आप जी देखते होंगे जिहड़े पुराने सज्जन हैं कि हर दरबार विच नवीं संगत आ रही है, जिन्हां दी कितें बहुत ही अवस्था गंभीर है, जा जड़े अपने मन की अवस्था साहिबां दे चरणां ते टिकाओ ते नहीं लिया लैंदे, उन्होंने देर लगती है, उन्होंने 5-10 दरबार आना पैंदा है, उस तो वध भी आना पैंदा है। क्यों? वह अपने मन की अवस्था टिकाओ च नहीं लिया सकते। जे आप जी साधन पता है तो थोड़ा पटकन की लोड़ नहीं। जिहड़ी संगत अपना अस्थान छड़ के दूसरा स्थान ग्रहण करना मंगती है, वह समझे वो काम के बड़ी देरी है। जिहड़ी साध संगत जिहड़ा स्थान मिल गया उत्थे विराजमान हो गए, उन्होंने कम भावें दूर हैं भावें नज़दीक हैं, भावें मेरी नज़र में हैं चाहे नहीं हैं, उन्होंने कम अवश्य होने हैं। ये जिहड़ा मैं आप जी को हिंट दिता सी कि मैं 7-8 हफ्ते वास्ते बाहर जाना है, मैं इसका पूरा बंदोबस्त आप जी वास्ते कर लिया सी, साहिबां नूं बेनती कर दिती सी, जोधरी कर दिती सी कि मेहरबान आप जी के दरबार से निशान साहब से जो भी दुखियारा प्यार नाल आके निम्रता नाल आके सच्चाई दे नाल आके बेनती करे, उन्हां दी पुकार जरूर जरूर सुन लेना और उन्हां दे उत्ते रहम और करम कर देना। ए मेरे मन दे उत्ते दुख ही रहेगा। या तो सब लोग जिन्हें तुसीं प्रण कर लो कि आओगे सिरे दरबार जिथे सजना है उत्थे विराजमान हो जाओगे, इधर उधर गल करने की लोड़ नहीं। तुसी अपने कम करवाण आस आए हो, तुसी चहल पहल वास्ते नहीं आए, तुसी अपने सतगुरां दी हजूरी च आए हो, सच्चे पातशाह जी थानू तुहाडे मन दे अंदर उन्हां बारे सत्कार होना चाहिए, आदर होना चाहिए है। जब असी अपने माता पिता पास जाने हैं असी उन्हां दे सिर नहीं खोंदे, असी उन्हां दे चरणां वल तकदे हाँ, चरणां च बैठ के जो कुछ लैणा हुंदा जोधड़ी करदे हाँ ते ओह सानू सफल कर दिंदे हाँ। इत्थे सतगुरु हन, सतगुरु दी स्टेज बड़ी उच्ची होया करदी है, सतगुरु जड़े होया करते हैं वह सर्ग के दाते होया करते हैं, वह रत्न के समुद्र होया करते हैं, वह हर इच्छा पूर्ति करन दे काबल होंदे हैं। जे ये सब गुण उन्होंने हैं तो असं क्यों थिड़कते हैं? नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। बहुत दफा आप जी ने बेनती की गई है, अगों वास्ते मैं एक कड़ा जहा शब्द बोलन लगा कि सात संगत जी हो मेरी शीश नवा के आप जी नूं बेनती है कि कदी पुछण दी और पिछे फिरन दी कोशिश ना करना। अमृत का सेवन, जोटकी का सेवन और तेल का सेवन ये लिख के लगा दिता जाएगा, जिन्हों नहीं पता वो पढ़ लवे, वो पढ़ के उस प्रकार सेवन करे, प्यार और सत्कार देना कार्य अवश्य होंगे। साहिबां ने आप जी के पल्ले गुलामी नहीं पाई, साहिबां ने आप जी नूं नीवा नहीं रखिया, ठीक है उन्होंने खालसा मेरे रूप है खास, खालसे में मैं करूं नवास। इस शब्द साहब श्री गुरु दशमेश पिता जी ने फरमाए हुए हैं। जे तुसी इन शब्दों के टिकाव पर आ जाओ तो थोड़े मन के अंदर इतना ठहराव हो जाना चाहिए है, इतनी शांति हो जानी चाहिए है, इतना थोड़ा रस भरिया मन होना चाहिए है कि तुसी आदर के नाल नमस्कार करो उन्होंने और जिथे भी किसी भी दूरी पर बैठ जाओ वो थोड़े थोड़े पर नज़र रखते हैं। तुम जे इत बैठे हो जे पुराने हैं उन्होंने पता है उन्होंने दुखड़े किस प्रकार अकाल पुरख ला रहे हैं, कितने भी गंभीर हों वो ला रहे हैं और थोड़े सिमरन की जी अवस्था है उसको बधा रहे हैं। जिस प्राणी की सिमरन की अवस्था बढ़ती है वो सचखंड का वासी हो जाता है, वह सच्चे पातशाह के चरणों के प्यार का पौड़ा हो जाता है। यही जीवन है इस संसार दे विच, कोई किन्ने पदार्थ कट्ठे कर ले कोई छाती ते रख के अज तक नहीं गया, ये हर मत की आवाज़ है। तो साहिबां ने साहब श्री गुरु नानक साहब जी ने ना तो इस बिल्कुल ही नखेड़ के रख दिता है, जी जीवियां मिसालां आप जी के पास पेश कर दित्तियां हैं। सो आप जी के मन के अंदर यह पूरी 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 दृढ़ता हो जानी चाहिए है कि जे तुसी इत्थे आउंदे हो कि इत्थे कारज अरदास कीत्या ते हो जांदे आ, कोई छोटी जी गल नहीं है। मैं आप जी नूं हिंट दिता सी, पोला जिहा हिंट दिता सी कि साध संगत जी मैनूं कुछ नहीं आंदा, माफ करना है भी अवस्था ठीक, मैं ते आप जी दा दास है,
मैं तो आपकी तरह सेवादार हाँ, सेवादार की कर सकता। दात देने वाले हमने सतगुरु गुरु ये दोनों का रुतबा है जो दात दे सकते हैं। सेवादारने की दात देनी है, सेवादार आप जी के जोड़े चढ़ते हैं। सो असी इतने आप जी के सेवादार हैं, सेवादार समझ के तंग ना करो, यह ना हो कि सेवादार दौड़ जाए तो तुम सेवा तो वांझे रह जाओ, होर थां जाके टूंडो। हुण तुहानू टिकाणा मिलिया और टिकाणा अजमाया होया है और इस टिकाने पर सब कुछ अजमायश हो चुकी है, तो नसन की लोड़ नहीं होंगी। जेड़ा चलता फिरता रहा है वह खाली रहा है, उसकी चोली भरती नहीं है, वह मंगता ही रहा है। जेड़ा बैठ जाता है उसकी चोली भर जाती है अते भरी रहती है, फिरते दी फेरी ते बैठे दी ढेरी। याद रखना ये अवस्था जो मलविंदर सिंह ने दसी आप जी, इस वे बड़ी देर बाद ज्ञान आया, बहुत चिर बाद इस होश आई है। दो कबरे हुए हैं कि इस थोड़ा जहा मन टिकाओ आया है। अजे भी मैं समझदा कि जरा टिकाओ आना चाहिए सी, अजे भी टिकाओ नहीं आया। मन के अंदर ईगो है, मन के अंदर लालसा बहुत है, मन दुबद च पै जाता है चट। गुरु घर के जे असी उन्होंने सिख सेवक हाँ, साढ़े मन के अंदर ना हंकार होना चाहिए है, ना दुबदा होनी चाहिए है, ना लालसा होनी चाहिए है। मैं आप जी किसी समय दर्शाया सी कि इंसान पंज तत् दे नाल गवर्न हो रहा है। उन्हों का विस्तार गुरबाणी में बहुत अचीज करके सच्चे पातशाह ने दिता है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। ये पंज हैं, ये सानू अवस्था जिस वेले रजोगुणी च आ जाते हैं तहस नहस कर देंगे, सानू किसी जोगा नहीं रहन देंगे। साढ़े मन के अंदर विचार आ जाए सानू कोई यह करता, सानू कोई यह करता, सानू कोई यह करता, क्यों ना करन। जिस वेले साढ़े मन का टिकाओ ही है नहीं, जिस वेले साढ़े मन के अंदर अपने गुरु का आदर ही है नहीं, जिस वेले साढ़े मन के अंदर अपने गुरु का सत्कार ही कोई नहीं, जिस वेले मन के विच साढ़े साहिब की जिहड़ी विशेषता है उसका ज्ञान नहीं है, कोई ना कोई साधन मिलाएंगे आपे दूर करेंगे। ये थोड़ा कर्म नहीं है, एक कर्म दाते का है, ये दात दाते की है। उसने थोड़े प्यार देखना है कि वह जरा गलाजत है उसने एक पासे कर देना है, तन निखार देना है। यह अवस्था आप जी सबनों बड़ी विशेष करके अपने हिरदे के विच बसा लेनी चाहिए है। मैं चुप करके जान वाला भी सीगा, लेकिन थोड़े मन की अवस्था जिस विच अजी अजी भावना आ गई कि बगैर कोई चंगी जी गल किए उदा ही चले गए, तो ये भी आप जी आवाज़ सुननी पै गई। सो आज की सब तो बड़ी सिक्ख्या ये हासिल कर लो कि साहेब मेरे दे हजूर आन वेले बड़ा ही आदर सिदक और नरमाई होनी चाहिए है, रश नहीं चाहिए। जिथे बैठे हो जम जाओ, जे तुहानू कोई अठाणा भी चाहे उठो ना, क्यों थोड़ी बिरती लग गई, तुसी किवें उठ सकते हो। और थोड़े पातशाह दे दरबार दे विच आवाज़ नहीं किसी की आनी चाहिए, ये जिहड़े चीकां मारदे आ हाथ उच्चे करदे आ नहीं चंगे लगते। जिस प्रकार करना है निशान साहब ते चले जाओ, जे सच्चे पातशाह की गुरबाणी का गायन नू सुनना है, ग्रहण करना है, रसना है, तो चुप करके खामोश होकर उनके चरणों के विच ध्यान करके बैठ जाओ, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये आप जी वास्ते अज दे वचन हैं, बिल्कुल ना पिछे फिरना, बिल्कुल ना मिलाना, बिल्कुल अपने मन की अवस्था टिकाओ च रखो, थोड़े सब काम कर देंगे सच्चे पातशाह आप ही। मैं आप जी कई दफा कह चुका है कि देखो साध सिंह जी, मैं आप जी का सेवक है, सेवक नहीं कुछ कर सकता, गुरु कर सकता है, सतगुरु कर सकता है। जे उन्होंने करना है तो थानू मेरी क्षमत करने की लोड़ है। उन्होंने अपने निशान साहब स्थापित कर देते हैं, आप जी फरमान दे देते हैं कि उत्थे जाके बेनती करो, असी सुना और सुन दिया। कोई भी माई का लाल नहीं कह सकता कि जिन्हें निशान साहब के प्यार और सत्कार के नाल बेनती की वो पूरी नहीं हुई, कोई नहीं मैंने कह सकता। जे देर हुई है या नहीं हुई ये साड़ी अपनी घाट है, असी अपने मन में एकागर नहीं कर सके, असी अपने मन की अवस्था का ठहराव नहीं कर सके, असी अपने मन में उन्होंने चरणों पर प्यार के नाल नहीं लिटा सके,
असि अपने मन की अवस्था के नाल प्यार और सत्कार के नाल जोधरी नहीं कर सके। साड़ियाँ अपन कमियां हैं, साढ़े अपने हंकार हैं, कोई गुरु पासों दात लैनी आसान है। पातशाह दशमेश पिता जी ने शब्द भी उचारिया सी, जे है प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तले गली मोड़िया, मेरे पास ताद आयो जिस ब्याह लड़ा तो शीश अपना सिर पर रख के आओ। जिसले पांच प्यारे साजे हैं सच्चे पातशाह ने शीश लहे श्री साहब लैके खलो गए, आओ बेजे ने शीश देना, कौन उठता सी? आप जी शायद भुल गया हो पिछले हफ्ते जिस वेले असं रुमाले बंडे हैं पिछले तो पिछले हफ्ते तुम की खरूद पाया, उस संगत वास्ते लाजम नहीं सी, ठीक है, और थोड़े वास्ते लाजम नहीं सी, तुसी अपने आप अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाते, थानू सब न मिलने सी और बड़े सत्कार न मिलने सी और बड़े रहम और करम न मिलने सी। अगों वास्ते जिस दरबार के विच जिस मिशन के विच जिस डिसिप्लिन नहीं है वह कभी सिरे नहीं चढ़े। सो तुसी जे सिरे चढ़ना है तो ये अदब आदाब जरूर अख्तियार करना पड़ेगा। सो मैं इन्हें कह के आप जी पासों छुट्टी लवागा, आप जी को सफलता होगी, फिक्र ना करना, एक चो तक क्यों लगाओ जिसे दर्दा होंगे पिट से जो तक क्यों लगाओ, रहमत होगी, अमृत का सेवन ज्यादा करो। सच्चे पातशाह मेहरबान हैं, क्रोधवान नहीं है और मेहरबान है और मिठा बोल बोल के राजी हैं, मेहरबान मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान। तुम कितने बैठे हो उन्होंने मेहर के नाल सारे काम हो जाते हैं, ये केवल साडा हंकार है, साडे मन दी ईगो है, साडे मन दे विच कलजुग दा प्रभाव है जिहड़ा असीं उच्ची भी बोलदे हां, जिहड़ा असीं उच्ची भी बोलदे हां। इस नूं बड़े प्यार और सत्कार दे नाल अपने मन दे विच बसा लैणा। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।